बॉलीवुड भारतीय सिनेमा की दुनिया जो करोड़ों लोगों के दिलों में राज करता है। बॉलीवुड मूवीज को केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि बहुत से और बाहर देशों में देखा जाता है। लेकिन दोस्तों कुछ समय से बॉलीवुड मूवीज का बॉयकॉट किया जा रहा है, लोग बॉलीवुड मूवीज को देखना पसंद ही नहीं कर रहे हैं। लोग ज्यादातर अब साउथ मूवीज और हॉलीवुड मूवीज की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। लोग ज्यादातर अब साउथ मूवीज के दीवाने हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्यों बॉयकॉट किया जा रहा है बॉलीवुड मूवीज का, आखिर क्या है इसकी असली वजह। सो चलिए डिस्कस करते हैं इस बॉयकॉट बॉलीवुड टॉपिक को। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आपका सबसे पसंदीदा हीरो और सबसे पसंदीदा हीरोइन कौन सी है। लिखिएगा अपना आंसर कमेंट बॉक्स में और आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कीजिएगा वर्ल्ड अवेयर को। सो दोस्तों बॉलीवुड के बॉयकॉट होने के बहुत से कारण हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह बताई जाती है ड्रग्स और नेपोटिज्म। आपने बहुत बार न्यूज में देखा होगा और आर्टिकल पढ़े भी होंगे कि इस बार इस सेलिब्रिटी को अरेस्ट कर लिया गया है ड्रग्स के मामले में और इस बार उस सेलिब्रिटी का कनेक्शन निकला है किसी ड्रग्स माफिया के साथ। इसी तरह बहुत से मामले सामने आए हैं और कुछ सेलिब्रिटीज पर अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है दोस्तों इन चीजों को लेकर, जिस कारण लोगों में गुस्सा फूट फूट कर भरा है। लोग इसी कारण बॉलीवुड को बॉयकॉट कर रहे हैं। बॉलीवुड बॉयकॉट की दूसरी सबसे बड़ी वजह बताई जाती है नेपोटिज्म। दोस्तों नेपोटिज्म का मतलब होता है दो स्वाद, यानी कि अपने लोगों को ही तवज्जो देना। अगर आसान भाषा में आपको बताया जाए नेपोटिज्म का मतलब, तो जैसे कोई डायरेक्टर कोई मूवी बनाना चाहता है, अब उसके लिए उसे एक हीरो और हीरोइन की जरूरत पड़ती है। अब इंडस्ट्री में हीरो हीरोइन तो बहुत है, लेकिन वह उन हीरो और हीरोइन को रोल देता है जो उसके एक तरह से अपने हो, जो इंडस्ट्री में पहले से ही छाए हुए हैं। वो परफॉर्म तो अच्छा करते हैं, लेकिन जैसे अब युवा मूवीज को देखना चाहता है वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते, जिस कारण जो नया एक्टर्स है, जो इंडस्ट्री में नया है, उसमें किसी भी टैलेंट की कमी नहीं है। वह हर चीज में अच्छा कर रहा है, लेकिन उसे फिर भी मौका नहीं मिल पा रहा है मूवी इंडस्ट्री में काम करने का। उसका हुनर दबा रह जा रहा है स्टार एक्टर्स के कारण। उसे स्टार एक्टर्स पर्दे पर ही नहीं आने दे रहे हैं, क्योंकि उनका पहले से ही डायरेक्टर के साथ मामला सेट है, जिसके कारण एक्टर्स का टैलेंट दबा रह जाता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। और ऐसे आपने बहुत से केस सुने होंगे पिछले कुछ महीनों या कुछ सालों में, जिस कारण बॉलीवुड का बॉयकॉट किया जा रहा है। और बॉलीवुड बॉयकॉट की तीसरी सबसे बड़ी वजह बताई जाती है एंटी नेशनल एक्टिविटी और रिलीजन्स को गलत तरीके से दिखाना और देश की संस्कृति को ठेस पहुंचाना। जैसे कि एक मूवी आई थी द कश्मीर फाइल, इस मूवी के आने पर बहुत ही ज़्यादा बवाल मचा था। अभी हाल ही में एक मूवी आई है पठान, इस मूवी का भी बॉयकॉट किया गया। ठीक इसी तरह ब्रह्मास, लाल सिंह चड्ढा, पीके हो या फिर रक्षाबंधन हो या फिर आदि पुरुष, और बहुत सी ऐसी मूवीज का बॉयकॉट किया जा रहा है बॉलीवुड में। लेकिन दोस्तों अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो वो दिन दूर नहीं जब बॉलीवुड इंडस्ट्री अपने आप में ही सिमट कर रह जाए, लोग हॉलीवुड मूवीज की तरफ और साउथ मूवीज की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन इन सभी चीजों के बीच मेरा एक अपना ओपिनियन है बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर। बॉलीवुड को भी अब कुछ ऐसा करना होगा जिससे लोग वापस बॉलीवुड को देखने लगे, क्योंकि लोगों को अब इंटरेस्ट है कुछ नया देखने में, कुछ साइंटिफिक, कोई साइंस फिक्शन, जिससे लोगों को सीखने को मिले, कुछ लोगों का एंटरटेनमेंट हो। लोग अब साउथ मूवीज और हॉलीवुड मूवीज को ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं। आप एक सिनेमा हॉल में एक पर्दे पर एक न्यू बॉलीवुड मूवीज को लगा दीजिए और दूसरे पर्दे पर किसी हॉलीवुड मूवी या फिर किसी साउथ मूवीज को लगा दीजिए, तो लोग बॉलीवुड मूवीज को छोड़कर साउथ मूवी या हॉलीवुड मूवीज को देखना ज्यादा पसंद करेंगे। इसकी एक सबसे बड़ी वजह है कि बॉलीवुड मूवीज आज के समय में केवल दो या तीन चीजों में ही सिमट कर रह गई है। उनका कॉन्टेंट केवल लिमिटेड ही मिलता है। मोस्टली बॉलीवुड मूवीज लव स्टोरी इन चीजों में ही सिमट कर रह गई है। बहुत सी मूवीज तो ऐसी हैं कि पूरी मूवी खत्म हो जाती है हीरो और हीरोइन को मिलाने में ही, और कुछ मूवीज ऐसी होती है जिनका शुरू से लेकर लास्ट तक कंटेंट ऑडियंस को समझ में ही नहीं आता कि ये चल क्या रहा है। इसमें आपको पूरी मूवीज में कुछ ऐसा नहीं मिलेगा जिससे सामने वाले बंदे का देखकर दिमाग हिल जाए कि भाई क्या दिमाग लगाया डायरेक्टर ने। जिस तरह हॉलीवुड मूवीज में माइंड ब्लोइंग होती है, लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, न्यू साइंस फिक्शन देखने को मिलते हैं लोगों को, और लोग बहुत कुछ सीखते भी हैं। ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री इतना बेकार है। बॉलीवुड ने अब से पहले भी बहुत अच्छी अच्छी मूवीज दी हैं, लोग इंस्पायर्ड हुए हैं। जिस तरह बॉलीवुड ने 3 Idiot मूवीज को दिया था, लोगों ने बहुत अच्छे से देखा, लोग इंस्पायर्ड भी हुए थे इस मूवी से।
लेकिन अब बॉलीवुड डायरेक्टर्स को थोड़ा हटकर सोचना होगा, उन्हें अब लव स्टोरी सिस्टम से बाहर निकलना होगा, उन्हें सोचना होगा कि हॉलीवुड इंडस्ट्री किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह लोगों के दिमाग में घुसकर अपनी मूवीज को हिट कराता है। सो दोस्तों, ये था मेरा अपना ओपिनियन। मैं जानना चाहूंगा आप सभी का भी ओपिनियन, कि आप सभी का क्या ओपिनियन है बॉलीवुड बॉयकॉट को लेकर। लिखिएगा अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो जल्द ही मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा वर्ल्ड अवेयर पर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।